जय श्री काशी विश्वनाथ। मैं मोहन डबराल मंगसिर की बगवाल के अवसर पर सभी उत्तराखंड वासियों से, देशवासियों से निवेदन करूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा इस मंगसिर की बगवाल के लिए 23, 24 और 25 को। आप संस्कृति से जुड़ेंगे यहाँ पर, आप एक बार अवश्य आइए। आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, आप अवश्य आइए। तो मंगसिर बगवाल है कहीं ना कहीं से एक माध्यम भी होता है कि अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का, अपनी चीज़ों को हाईलाइट करने का और उस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म देने का। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर हमारे आसपास में जो अच्छा शहद उत्पादन कर रहे हैं, जो अच्छी पैकेजिंग कर रहे हैं, अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने का हमने कहीं ना कहीं से एक माध्यम बनाया। तो इस वक्त बद्री गाय का घी हो गया, शुद्ध शहद हो गया, उच्च हिमालय क्षेत्र में जो मधुमक्खियाँ रहती हैं उनका शहद हो गया, साथ साथ में जो हमारा लाल चावल हो गया, रामासराय का हमारे क्षेत्र में विशेष उसकी पहचान है, रामासराय का चावल हो गया, अलसी का तेल हो गया। और इस तरह से हम लोगों ने और जो उत्पाद हैं यहाँ पे पौधे के जो हम बिस्कुट बन रहे हैं आजकल, पौधे के जो मफिन्स बन रहे हैं उसको हमने यहाँ पे एक स्थान दिया है। तो लोग आकर के अपने खान पान को भी इसको बढ़ा सकते हैं। फिर गड़बोज एक बहुत बड़ा माध्यम है, गड़बोज में हम लोगों ने वो रेसिपी रखते हैं जो जनरली बनती नहीं है, जो जनरली आप देख नहीं सकते हैं, तो उसको भी वहाँ पर हम लोगों 3 दिन का रखा, एक कार्यक्रम रखा है। तो इन सबको एक ही जगह, एक ही स्थान पर और एक ही स्वाद में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा, आने वाले 23, 24 और 25 नवंबर को आप सादर आमंत्रित हैं अपने परिवार के साथ में, अपने उस पीढ़ी के साथ में जो बीच में फंसी हुई है कि हमको क्या करना है, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और एक परिचय हिमालय का दे सकते हैं, पहाड़ का दे सकते हैं, उत्तरकाशी का दे सकते हैं, बाराट का दे सकते हैं। आप सभी उत्तराखंड वासियों से, अपना जनपद का लोगों से आग्रह कर दूँ, निवेदन कर दूँ कि आप लोग जो 23, 24, 25 को हमारे यहाँ जो मंगसिर बगवाव, प्रसिद्ध मंगसिर बगवाव, बुडर बगवाव, रिख बगवाव, ये मनोण खातिर और ये माँ शिरकत करना खातिर आप लोगों से मैं निवेदन कर दूँ कि आप लोग 23, 24, 25 को उत्तरकाशी आवा और ये मंगसिर बगवाव आनंद लिया, गढ़ भोज को आनंद लिया। धन्यवाद।